मैं एक सभा के अंदर गया तो वहां पर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। बुद्धिजीवी इसलिए क्योंकि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेसी करते हैं, वकील हैं। वो एक मजहब को, एक धर्म को मानते हैं, एक रिलीजियस मैन हैं। उन्होंने बात बातों में कहा कि ये जो आपका बौद्ध धर्म है, ये तो कुछ दूसरे धर्म वाले लोगों ने इस पे कब्जा किया हुआ है और आपका तो इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा मुझे संशय हुआ कि वो कैसे बुद्धिजीवी हैं जो बुद्ध को नहीं जानते, मगर आश्चर्य भी हुआ और थोड़ा सा निकम्मापन बाकी लोगों का भी है जो धर्म के बारे में सही तरह से बताते नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि जो बुद्ध का धर्म है वो कोई बुद्ध ने धर्म दिया ही नहीं। बुद्ध ने एक फिलॉसफी दी है, एक दर्शन दिया है, एक ट्रुथ बताया है, एक सच्चाई बताई है जो मटेरियल साइंस पे और कंप्यूटर साइंस पे और जो रोबोटिक साइंस है उस पे आज की डेट में बिल्कुल फिट उतरती है। और जब तक ह्यूमन रहेगा, वो जो दर्शन है, वो जो फिलॉसफी है, वो जो टेक्निक है, वो जो उन्होंने पूरा पूरा मेथड बताया है, वो साइंटिफिक है और जो मटेरियल में और माइंड में काम करता है, यानी सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में काम करता है। बुद्ध ने कोई भी कर्मकांड या कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर में कोई चीज़ आने वाली है वो नहीं बताई। जो लोग आज की डेट में करते हैं उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार या अज्ञानता या ज्ञानता के अनुसार, जैसे भी समय के साथ, परिस्थिति के साथ, वो उन्होंने वहाँ बनाया है। बुद्ध की वाणी में या बुद्ध की फिलॉसफी में कहीं भी उसके लिए कोई जगह है ही नहीं, ना ही वो दिया है। वो लोगों ने अपनी सुविधा और समय के हिसाब से बनाया है। दूसरा यह है कि मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ। बुद्धिस्ट नहीं हूँ का मतलब यह है कि मैं बुद्ध की फिलॉसफी को प्रैक्टिस करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं, वो बुद्ध के नाम से करें या ना करें, क्योंकि उनका पांच सील का सिद्धांत है। मगर कोई आदमी अगर बुद्ध की फिलॉसफी को प्रैक्टिस करता है तो वो किसी भी हालत में बुद्धिस्ट नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि जो बौद्ध शब्द है वो बौद्ध शब्द बाद में बना है। पाली के अंदर दो मात्रा वाला बौद्ध नहीं होता। उन्होंने बोधि खोजी थी और वो बुद्ध हुए थे। हम उनकी फिलॉसफी को जानते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, मगर हमारा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि हम बुद्धिस्ट हैं या हमारी अलग श्रेणी है, या हमने कोई ग्रुप बना लिया, या हम कोई समुदाय में आ गए, या हम उनकी फिलॉसफी को किसी स्पेशल मार्क के साथ, स्पेशल नाम के साथ में हम बताते हैं या जान करें। हम सिर्फ उनकी प्रैक्टिस बताते हैं, उनकी फिलॉसफी बताते हैं। बुद्ध ने कोई भी धर्म नहीं बताया, ना ही कोई समुदाय बनाया, ना ही समुदाय बनाने के लिए कहा। और बुद्ध की बात छोड़िए, जितने भी जानकार लोग हुए हैं, जिन्होंने भी जानकारी दी है, जो भी शास्त्रा हुए हैं, टीचर हुए हैं, गुरु हुए हैं, उन्होंने कभी कोई धर्म दिया ही नहीं, ना ही कोई धर्म की बात उन्होंने कही। बाद में लोग उसको बनाते हैं अपने हिसाब से, उसका लाभ और हानि पैदा करते हैं और आपस में झगड़े लगाते हैं। बुद्ध इनसे बहुत दूर हैं, उनके अनुयायी भी और उनकी फिलॉसफी बहुत दूर है। एक और भी बड़ी बात यह है कि बुद्ध के धम्म को छोटे से घेरे में नापा नहीं जा सकता, ना ही बांधा जा सकता। जहाँ जहाँ भी मनुष्य हैं, जहाँ जहाँ भी जीव है, जहाँ जहाँ भी नेचर है, वहाँ ये नेचुरल फिलॉसफी, नेचुरल प्रैक्टिस और नेचुरल चीज़ काम करती हैं। बुद्ध ने भी इसको नेचर से डिस्कवर किया। वो पहले से ही नेचर के अंदर सारी चीज़ें थी। निब्बान या प्रत्यय समुत्पाद या जो धम्म उन्होंने पूरे जीवन भर दिया, वो नेचुरल धम्म है, नेचुरल रॉ है, जो उन्होंने डिस्कवर किए हैं, बल्कि रीडिस्कवर किए। उन्होंने कहा भी है कि ये और भी जो बुद्ध हैं जिन्होंने किया है, जो बुद्ध आएंगे आगे, वो सब यही बताएंगे, क्योंकि नेचर में यही नियम है, यही रूल है, जो मनुष्य के और प्राणी के और पृथ्वी के फायदे के लिए या किसी देश के फायदे के लिए होता है, या सभी प्राणी के लिए। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को कुछ लोगों तक सीमित नहीं रखा, इसलिए बुद्ध की शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैल गईं। बुद्ध के अनुयायी या बुद्ध के जानकार या जो उस फिलॉसफी के जानकार हैं, वो कभी भी किसी को नहीं कहते कि आप इस फिलॉसफी को अपना लीजिए, या ये कोई समुदाय है, या इसमें ग्रुप में आ जाइए, या हम कोई राजनीतिक ग्रुप बनाते हैं, या कोई रिलीजियस ग्रुप बनाते हैं, या कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर है। पूरी दुनिया में आज की डेट में सभी बुद्ध की फिलॉसफी को मानते हैं, विदाउट एनी संगठन या विदाउट एनी कम्युनिटी बनाते हुए। कम्युनिटी एक ही है जो ह्यूमनिटी है, कम्युनिटी एक ही है जो मानवता है, एक ही कम्युनिटी होती है जो कि सबके भले के लिए होती है। इसलिए बुद्ध का जो दायरा है या जो बुद्ध की फिलॉसफी का दायरा है, वो बहुत बड़ा है और वो हमेशा रहेगा। दुनिया इधर से इधर हो जाए, नेचुरल रूल्स, नेचुरल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते। नेचर अपने साथ हमेशा रखेगी जब तक नेचर रहेगी। यही धम्म है, यही बुद्ध है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि अगर आपको मुझसे मिलना हो, यानी बुद्ध कह रहे हैं अगर आपको मुझसे मिलना हो तो धम्म को देखना, धम्म को देखोगे तो मैं दिखाई दूंगा।
बुद्ध की अपनी जीवनचर्या में जब बुद्ध एक्सपायर हुए तो उन्होंने अपनी लाइफ या अपने किसी भी चीज़ के बारे में कुछ कुछ नहीं बताया। उनके अनुयायियों ने बाद में उनके बारे में थोड़ा बहुत लिखा, वो भी चला गया, मिटा दिया गया, थोड़ा बहुत जो मिलता है। इसलिए जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं या जो बुद्ध के जानकार होते हैं या धम्म के जानकार होते हैं, वो धम्म को जानते हैं। धम्म ही बुद्ध है और बुद्ध ही धम्म है, कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए वो जो सज्जन थे उनकी जानकारी मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, और ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए हैं जो बुद्ध को एक धर्म मानते हुए या एक रिलीजन मानते हुए और उसको दिन रात ऐसा सोचते हैं कि ये कुछ समुदाय का या कुछ राजनीतिक फायदे का या कुछ आर्थिक फायदे का या कुछ ऐसा एक संगठन बना लिया जाए जिसमें कि कुछ लोग आ जाए, बाकी लोग छोड़ दिए जाए। आप किसी भी व्यक्ति को धम्म में नहीं छोड़ सकते, यही धम्म है, यही बुद्ध है और यही संघ है। धन्यवाद।